नमस्कार, मैं हूं अभिषेक कुमार। आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज और वक्त हो गया है आज दिन भर के सभी बड़ी खबरों का। इंडिया नाम को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। कहा, बीजेपी ने भारत बदलने का वादा किया लेकिन 9 साल केवल नाम बदलते बदलते बीत गए। बता दें कि पिछले दिनों स्टालिन के बेटे ने हिंदू सनातन धर्म को समाप्त करने की बातें कही थी, जिस पर सभी ओर से उनकी निंदा हो रही है। सीबीआई ने गेल के कार्यकारी निदेशक केबी सिंह समेत 5 लोगों को किया गिरफ्तार। 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का है आरोप। एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा कि अगर भाजपा इस विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल लाती है तो हम निश्चित रूप से इसका समर्थन करेंगे। सनातन धर्म को खत्म करने का बयान देने वाले उदयनिधि स्टालिन पर सुप्रीम कोर्ट से दखल देने के लिए 262 प्रतिष्ठित हस्तियों ने सीजेआई को लिखी चिट्ठी, स्वतः संज्ञान लेने की मांग। कानपुर देहात के बिकरू गैंगस्टर मामले में कोर्ट ने आज फैसला सुनाया, जिसमें 30 में से 23 आरोपितों को 10-10 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त सभी दोषियों पर 50,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। वहीं 7 आरोपितों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने के कारण उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया। बिहार के कानून व्यवस्था का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजधानी पटना में चोरों ने सत्ताधारी पार्टी के विधायक के घर पर ही हाथ साफ कर दिया। चोर यही नहीं रुके और 3 दिन में 2 बार चोरी की। यहां 3 दिन बाद पुलिस चोरी की वारदात की जांच के लिए राजद विधायक ललन यादव के आवास पर पहुंची। दोस्तों, आगे की खबर पर चलने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे अभी लाइक कर दे, वीडियो पर कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दे और इसे शेयर जरूर कर दे। आपके ऐसा करने से हमारा और हमारी टीम का हौसला बुलंद होता है और हम रोजाना इसी समय पर आप लोगों के लिए दिन भर की बड़ी खबरें लाते रहते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक सड़क का नाम भारतीय मूल के दिवंगत पुलिस अधिकारी के नाम पर रखा गया, जो पिछले दिनों गोलीबारी की शिकार हो गई थी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई, जहां 5 जजों की संविधान पीठ ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया। देश का नाम आधिकारिक तौर पर इंडिया से बदलकर भारत करने की मांग तेज हो रही है, जहां पिछले कुछ दिनों से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से लेकर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा तक ने इंडिया की जगह भारत शब्द का इस्तेमाल करने की पैरवी की है। जहां मंगलवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जिसके बाद विपक्षी गठबंधन का पारा हाई हो गया है। प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर गरमाई देश की सियासत, कांग्रेस के कई नेताओं ने उठाए सवाल। वहीं कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, मेरा भारत महान। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्षक ने भारत माता की जय के नारे लगाने वाले सदस्य को कथित तौर पर डांटा और कांग्रेस के पक्ष में नारे लगाने को कहा। इस बात को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर राजनीतिक यात्रा करने वाले को भारत माता की जय नारे से इतनी नफरत क्यों है। झारखंड के डुमरी उपचुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान हुआ संपन्न, 8 सितंबर को होगी मतगणना। छत्तीसगढ़ के सुकमा में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 नक्सलियों को किया ढेर, बंदूक और पिस्टल भी हुआ बरामद। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार बड़ा ऐलान कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मैहर को जिला घोषित करने का ऐलान किया है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को आधारभूत ढांचा सुदृढ़ करने के लिए मिलेंगे 100 करोड़ रुपए, 3 वर्षों में दी जाएगी राशि। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा के सफल संचालन की सराहना की और कहा कि इससे प्रदेश के पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। तृणमूल कांग्रेस की सांसद नुसरत जहां को आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय ने तलब किया है, जहां नुसरत पर करोड़ों का स्कैम करने वाली कंपनी से लिंक का आरोप लगा है। सूरत के एक आर्किटेक्ट इंजीनियर विपुल जोशीवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को खास तरह से मनाने की विशेष तैयारी की है, जहां विपुल जोशीवाला ने पीएम के जन्मदिन के लिए 7200 हीरे के जड़ित चित्र बनाए हैं। वे इसे पीएम मोदी के 73वें जन्मदिन पर उन्हें उपहार के रूप में देना चाहते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 17 सितंबर को है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में बीजेपी की अंतिम चौथी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राजस्थान के लोगों को रोजगार और पानी की समस्या के समाधान के लिए बीजेपी की सरकार को चुनने का आह्वान किया। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को 2 विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में नाम होने पर समन जारी किया है, जहां भाजपा नेता हरीश खुराना ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने जनप्रतिनिधि अधिनियम का उल्लंघन किया है।
शिक्षा व्यवस्था में सुधार का दावा करने वाली पंजाब की आप सरकार की पुलिस ने शिक्षक दिवस पर बेरोजगार अध्यापकों पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी घायल हुए हैं। महिला से दुर्व्यवहार मामले में हरियाणा के मंत्री संदीप सिंह को सता रहा है गिरफ्तारी का डर, कोर्ट में डाली अग्रिम जमानत याचिका, 13 सितंबर को होगी सुनवाई। उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी अस्पतालों से निकाले गए कोरोना काल के आउटसोर्स कर्मियों के समायोजन की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे एक पूर्व कर्मी ने खुद को शौचालय में बंद कर लिया। 6 दिन में यह दूसरी बार है जब किसी पूर्व कर्मी ने खुद को शौचालय में बंद किया हो। इस घटना से देहरादून के एकता विहार स्थित धरना स्थल पर अफरा तफरी मच गई है, पुलिस प्रशासन के हाथ पांव भी फूल गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से अधिकतर लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया है, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे शेयर भी किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी बाकी हैं, इसलिए उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वे भी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दें और इसे शेयर जरूर कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल के ऑल ऑप्शन को दबा दें ताकि देश और दुनिया की तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सकें अपडेट।